आम ओडिया पिला जाए गोटे भलरे कोठी आप्लिकेसन दे चाकरीटे अप्लाई कले मिलिबन तांकू ना बिजनेस सिखाई ना ठीक से पाठ पढ़ाई तांकू केवल ये जो नेता माने राली रे यूज करचंती आजिकल भुवनेश्वर रे लोकों पाखे टाइम नाही आमे एठू डालमा दरकार तो डालमा पे जहाँ वेजिटेबल दरकार काटिकरी पैकिंग करके छाड़ू लोक एनगेज हे देखु जो भी फैक्ट्री देखिए तमिलनाडु रे जो भी फैक्ट्री देखिए गुजरात रे जो भी फैक्ट्री देखिए महाराष्ट्र रे काम किए कर सी अलरेडी स्किल हो सारा 25 वर्ष लुटिला परे टाटा सांगरे मिसी एने कौच फ्री दबू किंतु मु तो आहरी आगुक जीवा चाहूँगी अरे जदि आम सरप्लस यूनिट दिल्ली की बिकिया 5 टंका रे दर्शक बंधु सूचना टीवी 24x7 को आपन को स्वागत आम आज आसी पहुँचीचु गोप्र गोठ छक आज आम सहित उपस्थित अच्छा सिद्धार्थ राउतराय आयरन मैन जी गोप्रु तक निर्वाचन रैली आरंभ करुँच अच्छा दलय कर्मी अच्छा शुभेच्छु अच्छा बंधु अच्छा तेणु आज आम राली विषय में सहित आलोचना करवा गोप को नहीं कौन तक रही स्वप्न से विषय आलोचना करवा कांग्रेस पार्टी तरफ से विधायक प्रार्थी भाव में एठार निर्वाचन लड़ुंट तेणु आसन सहित इंटराक्शन करवा जो दलय कर्मी रही जो शुभेच्छु रही मन कथा जाणी और जो जनता रही पल्स आम देखा स्वागत करुच्छ आपण को ये कार्यक्रम को जय जगन्नाथ जय कलिंगा आप आईरन मैन आज बैकर बय बनी पूरा तेणु निर्वाचन करार जो गोटे नुआ तरीका आप कि नुआ करेंगे आम मन भितर सब आशा था आप किसी गोटे मैंने क्यारिययर छाड़ी पुणी निर्वाचन को आलेक्शन को पशिंटर निर्वाचन गोटे निरा ढंग से करुँच कौन रही लक्ष्य गोप को नहीं कौन स्वप्न रही देखो आग स्वप्न विषय कह फर्स्ट आम यूथ जो ओडार यूथ हो कि गोप्र निमापड़ार जो यूथ मान पाखे चाकरी ना चाकरी कर संभल भी ना एजुकेशन सिस्टम को मैंने ये खराब करदे आम ओडिया पिला जाए गोटे भलरे कोठी आप्लिकेसन दे चाकरीटे अप्लाई कले मिलिबन से ना बिजनेस सिखाई ना ठीक से पाठ पढ़ाई केवल ये जो नेता माने राली रे यूज करचंती मद दे भोजी कराऊ मैक्सिमम टाइम माने ये जो लूडो ये सीए सब ऑनलाइन गेम खेली पैसा बर्बाद करा रियलिटी ऑफ ओडिशा ताकू चेंज करिया गोप आउ निमापड़ा पिला माने जाए भुवनेश्वर रे केमती बेपार करिवे बाहरू बिहारी तमिल बंगाली आसी बेपार करम पिला केमती एनगेज हेबे तेटा नंबर वन रहिबो आउ निमापड़ा रे बहुत जिनस अछि बिजनेस करिया पे बिल्कुल नहीं से निमापड़ा मुग कहीं आम मुग पैकेजिंग करी निमापड़ा मुग कहीं बिकिपरियान चाकरी प्रसंग को आसवि जो निमापड़ा मुग कथ कहले मत लगुच कौन सी निर्वाचन लड़ुता कर्मी कि नेता ए संपर्क केमापड़ा मुग को कौन आप जी आई टैग ने शुण निमापड़ा मुग बीरी उष्णा चाउल आम झिली छेना घी बटर आइसक्रीम ये सब देख दिना दिने जी आई टैग हम निमापड़ा स्पेशल मिल्क स्पेशल छेना स्पेशल बटर बाहर से स्पेशल घी बाहर से कौन ना निमापड़ा बोली कह या निमापड़ा पर गोटे जी आई टैग हम जो प्रकार पर चाहब सबू पंचायत रे मिनी कोल्ड स्टोर करिया पिला माने जो बुलुंच गिरगिर माने नेता स्लोगान दे बंद कर लगया कट वेजिटेबल्स आजिकल भुवनेश्वर रे लोकों पाखे टाइम नाही आमे एठू डालमा दरकार तो डालमा पे जहाँ वेजिटेबल दरकार काटिकरी पैकिंग करके छाड़ू लोक एनगेज हे यहीटा आग करिया आउ सेकेंड यहाँ चाषी को एरिया 99% कहले लोक चाषी पा आसुनी पानी किनिया को पड़ी पर चाषप बिकला बेलू पर बिकि पार ना एत रेट कमी जा गाई गोर खाऊँ जो सिस्टम टा को चेंज कर आग तो इरीगेशन सिस्टम जिते केनाल जो भंगारू जा पड़ी से कंग्रेस करनाल ये गोटे नुआ केनाल करना लाइफ 25 वर्ष हो गला
से केनाल सिस्टम को ठीक कर इरीगेशन टाक आसिले चारिथर मिनिमम चाष हम चारिथर चाष हम माने आम निमापड़ा चाषी को इनकम चारिगुणा बढ़ नुआ लोक टैलेंटेड लोक शिक्षित लोक जो राजनीति भितर को पशंट छवि एमती बदल आरंभ कै जो स्वप्न से देखी कथा कहते बहुत गुड़े कथ कहले युवक मानकर चाकरी केमती मिल से कथा कहले भोकाल फॉर लोकल जो कथ सरकार केन्द्र सरकार कौन बर्तमान चिंताधारा ये अच्छी आपण मैंने देखते से केवल निमापड़ार विभिन्न प्रडक्ट को लेकिन जी आई टैग मिले पैकिंग करके डालमा पठा जासबू जो चिंताधारा आम कौन नेता शुणी ना कौन युवकों पाखु शुणु ना कौन कर्मी पाखु शुणु ना तेणु चिंता कले जिन सब मन को आशा तार परिकल्प वास्तव में रूपायित कर योजना आसे ताकू छाड़ीदे एमती केते गुड़े कथ कहे सिद्धार्थ बाबू जो कथ गुड़क मुझ गोटा गोटा कि कह बर्तमान मतलब कोरिलेट करने कष्ट आउ गोटे कथ जो आप कहे चाकरी कथ से प्रसंग को आसबि राहुल गांधी कहते गोटे भिड मुझे देखते जो कहते रास्त फैक्ट्री में जो युवक मैंने जो मैं चाकरी ना आम समस्त डाक चाकरी दे कि जब आम निमापड़ा प्रसंग देखा ओडिशा प्रसंग देखा स्किल डेवलपमेंट आम पचर रोचे आम बिहारी कहे तमिल कहे पाखे स्किल अच्छे से आसिक पहुंची जाऊँ कारण गोटे फैक्ट्री रोटे रिक्वायरमेंट अच्छी गोटे सेटअप अच्छे आप बाहर चाकरी कर जानते प्रोफेसनाल हिसाब से आज से जिनसा परखिंट कि आमर ये आम स्किल डेवलपमेंट आपत करेंगे जो स्किल डेवलपमेंट खाली हजार हजार कोटी टाइम आणिकी पैसा को बर्बाद कर दिने गोटे स्किल डेवलपमेंट रे जाइली आदिवासी महिला मानक आनी ब्यूटी पार्लर रो ट्रेनिंग दिखे आरे खली खली रो मेसीन देलोनी सी जा मान चाल गोटे बचापी सी ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग नहीं कि हजार हजार कोटी एसी रे बसिक ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग नहीं कि करियो कौन भलिया सरकार ये से भली आमर जो मुक्त तो आउ गोटे प्रोग्राम आरंभ करी रिवर्स स्किल डेवलपमेंट देखु जो भी फैक्ट्री देखिए तमिलनाडु रे जो भी फैक्ट्री देखिए गुजरात रे जो भी फैक्ट्री देखिए महाराष्ट्र रे काम किए कर ओडिया सी ऑलरेडी स्किल हो सारा रिटर्न केमती आनिया जदि आम गोटे स्कीम करिया जे दादन खटी लोक जड़े स्टिल बासन करिया शिखी ताकूम कोटी टाँह दबा विदाउट इंटरेस्ट से स्टील बासन स्टील आमर स्टील बासन ये तैयारी कर श्रमिक बाहर को एक्सपोर्ट होता रिटर्न आने कहीं आम तो शिखेले कि सीए से ही फैक्ट्री में पढ़ी पढ़ी शिखि सारे रिटर्न कहीं आनी स्किल डेवलपमेंट क्या आम कौचे आम अर्धकुशल अणकुशल ओडिया कथा कौचे जो मैंने बाहर अच्छा किंतु जदि आम टे पलिश करवा से पीतल बासन में चांदीर चमक देपारे तेणु यहीटा हूँ कथा ये कथाटा को आम जाऊने आम खाली बड़ कथ कौचे आम स्किल डेवलप करदे समस्त चाकरी देदे समस्त यहाँ करदे से करदे ग्रास रुट्स लेवल जो छोट छोट जिनस रही मुग हो गला छेना झिली होगा आपको केमी आम ब्रांडिंग करवा आपको केमी आम बाहर को लोकों लोचन को आने से प्रयास जो लोक मैंने आम सेमि स्किल्ड अच्छा केमी आम स्किल्ड करवा से प्रयास जो मैंने बाहर को जाऊँगी केमी भितर रखे आम जो इनहाउस अच्छी जो आम कोर इंडस्ट्रीज गुड़ाक अच्छी केमी आम बढ़ेगा लोकाल आर्टिसन मान को केमी स्किल करवा से कथा ये कथ रही सिद्धार्थ मनरे आईरन मैन मनरे आउ गोटे कथ को आम आसवा बिजुली आम गोटे बिजुली सरप्लस स्टेट आमर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आम जनरेट करे पानी रु विद्युत उत्पादन करे थर्माल पावर रु मध्ये आम इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन करे वर्तमान बिजुली मागणा बिजुली प्रसंगटा गोटे राजनैतिक हटचमट सृष्टि करिछि बिजेडी कहुछि जे 100 यूनिट पर्यंत आम मागणा देबू 150 यूनिट हो गले आम रिहाती देबू बीजेपी कहुछि जदि तुम्हें एत रिहाती दौच ताले जो बकेया बाकी लोकंकर पड़ी 30,000 20,000 15,000 पड़ी आगे सब जो बिजुली बिल पड़ी ताकू एभव कर दियो आपण कौन कहते अरे शुण ये चोर को ये केवल आडवर्टाइजमेंट पे भोट पे ये सब मिछ कहते तुम्हें आग आम बिजुली की प्राइवेट कंपनी की बिकिल कहीं सही जवाब दियो जो यूनिट ओडिशा जा टकर बिक्री दिल्ली रे एठी 5 टकर कहीं बिक्री से जवाब दियो 25 वर्ष लुटिला टाटा सांगे मिसी एने कौच फ्री देबू कांग्रेस तो कौच 200 यूनिट फ्री देवी किंतु मु तो आहरी आग को जीवा चाहूँगी अरे जदि आम सरप्लस यूनिट दिल्ली की बिकिया 5 टकर आम पिला मागणा
ସେଇ ପଇସାଟା ସେଇଠୁ ରିକଭର ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ ନା, ଆମର ଯେତିକି ନଦୀ ଅଛି ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ରି ପାଇବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଦିନ ମାନେ ମାସକୁ ବୋଧେ 200-300 ଲୋକ ଏଇ ହୁକ ପକେଇବାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ହୁକ ପକ ପକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଯିବ। ଏଇ ସରକାର ଯୋଗୁଁ, ଏଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯୋଗୁଁ ଏ ଟାଟାକୁ ବିକିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆରେ ସବୁ ବିକି ସାରିକି ଏଇନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ରି ଦେବୁ, ଆଗ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ବାହାର କଲ। ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରହିଛି ଆମେ ସେଇଟା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉନି, ବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନେ କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କରୋନା ସମୟର କଥା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ହାହାକାର ହେଉଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଦରକାର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଉଛେ। ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଥା ଯାହାକୁ ନେଇ କେତେ ମାଗଣା ବିଜୁଳିକି ନେଇ କେତେ ତୁମି ତୋଫାନ ଚାଲିଛି, ସେ ମାଗଣା ବିଜୁଳିର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକା ୟୁନିଟ୍ ଦେଇକି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାରୁ ସବୁ ଦଳ କେବଳ କୁଦି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପ ଏରିଆ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏରିଆରେ ଆସୁଛି ଏଇଟା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକ? ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଏଠୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ଚାଷରେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି, ପିଲା ଯାଉଛି ଦାଦନ ଖଟି, ବାପା ଯାହା ଖଟୁଛି ଚାଷରେ, ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଡବଲ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସିଏ ଗୋଟେ ଦାଦନବାଲା ଆଉ ୱାପସ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲଗେଇବା ଗାଁରେ କି ସହରରେ, ଚାଷୀଙ୍କର ଇନକମ୍ ଡବଲ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଇରିଗେସନ୍ଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେବା ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚାଷ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ବାଲା ଯେଉଁ କାଟିକିରି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ 2100ଟାକୁ 1700 ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ ରାଇସ୍ କିଣା ହେଉଛି ଏଠି ଆଗକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମାଆମାନେ କେବଳ SHG ପଇସା ନେଇ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି ଘରେ, ସେଇକୁ ବି ଶୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ କରିଥିଲେ, ତା'ଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ। ଦେଖ ମାନେ 24%ରୁ 25%, ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ 25 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କ'ଣ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ତାହେଲେ ମାଆମାନେ କେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକି ସେ ଲୋନ୍ ଶୁଝୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 25% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଧର ପିଠା ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଲଗେଇବା, ତୁମେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପିଠା ତିଆରି କରିବେ ମାଆମାନେ, ଆରେ ଆମେ ନେଇ ବି ଆଉ କରିବାନି। ଆରେ ଯଦି ଆମେ ନିମାପଡ଼ାରେ ବୋଧେ ମିନିମମ୍ 50 ପ୍ରକାର ପିଠା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପିଲାଦିନେ ଥିଲି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1,00,000 ଦିଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ SHG SME ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଜନତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା TV ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସୂଚନା TV 24x7 ଗୋପ।